एवरेस्ट गार्डन सुभागपुरा में बड़े गुरु की बात है। हमारे साथ हमारे कॉलेज के मित्र, कॉलेज के सहपाठी, कॉलेज
शुभकामनाएं दे रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ पे सारे पदाधिकारी कॉलेज से लेके कॉलेज में आई हमारे साथ सारे बड़े बड़े वरिष्ठ जन सारे यहाँ पे मौजूद हैं। बधाई का सिलसिला जारी है, आप देख रहे हैं एक से एक वरिष्ठ इनके सबके साथी भी हैं, कोई पड़ोस भी है, कोई उदयपुर निवासी है, कोई राजस्थान का निवासी है, सारे मिलकर यहाँ पे इनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारे नए उदीमान से जितेंद्र अब अपनी रुचि कार्तिक में है। आज हमारे सबके प्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण जी खंडेलवाल डबल एजी जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट से इनका स्वागत के लिए विधि प्रकोष्ठ उदयपुर शहर जिले की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सारस्वत साहब भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, प्रवीण जी भाई साहब का भी स्वागत करता हूं, हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण युवा साथीगण बहनें सभी अधिवक्तागण यहां उपस्थित हुए हैं। इस प्रांगण के अंदर थोड़ी देर बाद हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मैं भाई साहब और सबका धन्यवाद देता हूँ। जी भाई साहब डबल एजी बनने पर बहुत बहुत बधाई। भाई साहब ने उदयपुर में ये इतिहास रख दिया है कि पहली बार डबल एजी बनके उदयपुर से कोई जोधपुर गए हैं, उनका बहुत बहुत बधाई उनको, और हम भी उदयपुर शहर पूरा गौरवान्वित महसूस हो रहा है, और भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। प्रवीण जी खंडेलवाल ने आज इस इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भविष्य में प्रवीण जी खंडेलवाल से उम्मीद है कि वो हमारे उदयपुर वासियों और जनता की तहे दिल से सहायता एवं सहयोग करेंगे। बस धन्यवाद। आज इस होली के अवसर पर हमारे उदयपुर के बाहर के पूर्व अध्यक्ष और विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश के संयोजक डॉक्टर प्रवीण खंडेलवाल जी का राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में जो मनोनयन हुआ, होली का यह अवसर है और होली के इस अवसर पर आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी का स्वागत करते हुए और साथ में इस अवसर पर हमारे बीच में विधि प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संयोजक आदरणीय सौरभ सारस्वत जी भी उपस्थित हैं, दोनों का स्वागत करते हुए सभी वकील समुदाय इकट्ठा हुआ है, अत्यंत हर्ष का विषय है। आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं, प्रवीण जी और सौरभ जी को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत लंबे अंतराल में जिनके साथ हमने काम किया, हमारे सबके आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब डबल एजी बनकर हम पहली बार सार्वजनिक किसी कार्यक्रम में भाई साहब से मिल रहे हैं, तो हम जो कार्यकर्ता उनको देख के चलते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आज एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक हीरे को चुना है। आज होली की पूर्व संध्या भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उदयपुर को, पूरे मेवाड़ को, पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं उनको अपनी ओर से, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से होली की भी अग्रिम शुभकामना देता हूं कि ये रंगों का त्यौहार है, आपसी भेद भाव सब भुला कर एक दूसरे को कलर लगा कर फिर सब एक हो जाए और हम सब इस देश की उन्नति के लिए कार्य करें। आप बहुत ही बड़ा राजनीति में बड़ा कद रखते हैं, हैसियत रखते हैं, तो डबल एजी एडिशनल अटॉर्नी जनरल बनना प्रवीण जी खंडेलवाल के लिए, सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी, सारे एडवोकेट यहाँ मौजूद है, सारे राजनेता के पास मैं बहुत बार बहुत से कामों से गया, इन्होंने निस्वार्थ भाव से जो एक छोटे से छोटे आदमी से ये मिलते हैं और उनके काम के लिए जो ये पीड़ा लेते हैं, बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो दूसरों की तकलीफ में साथ देते हैं, उसमें से एक है वो प्रवीण जी खंडेलवाल है। हमें तो भविष्य की पता नहीं कि क्या होने वाला है, पर जो भाई साहब का कर्म है उससे मुझे लगता है कि प्रवीण जी भाई साहब और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और आज जितने भी वकील भाई यहाँ पर आए हैं
वो भी बहुत खुश है कि आज इस उदयपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है। धन्यवाद। जय भारत। मैं बोलूं आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और विद्युत प्रकोष्ठ के प्रदेश पूर्व संयोजक श्रीमान प्रवीण जी के रूप में प्रवीण जी खंडेलवाल को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इसलिए बार एसोसिएशन उदयपुर के अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर है। तो वास्तव में काम जिस प्रकार जी प्रकार से प्रवीण जी भाई साहब का संगठन की ओर से समर्पण भाव की तरह से जिस उन्होंने संगठन की सेवा की है उसका निश्चित ही इनाम मिला है और मेवाड़ का नाम उन्होंने रोशन किया है। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से प्रवीण जी भाई साहब जो जोधपुर में बैठे हैं तो गरीबों के लिए उनको सस्ता सुलभ न्याय के लिए हमारा हाईकोर्ट बेंच की उदयपुर में स्थापना के लिए पैरवी करें और निश्चित ही उनके लिए मैं दो लाइनें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा हर कयामत से आज पहले आके पूछे कि बोल बनता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।